कमाया किस तरीके से जाता है, आज हम इस चीज को थोड़ा समझेंगे अपन स्लाइड के माध्यम से। जैसा कि पहले हमें यह समझना जरूरी कि भाई पैसे की रिक्वायरमेंट हमें है क्यों, सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी कि सबसे पहले हमें पैसा चाहिए क्यों, और अगर आप उसको जानना चाहते हैं तो स्लाइड के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी का सर्वे दिया हुआ है कि 1940 में एक घर 10 रुपए के अंदर चल जाया करता था, और जैसे जैसे आप देखोगे कि हर 20 साल में एक जीरो कहीं ना कहीं बढ़ता रहता है। 1980 के हम यहाँ पे बैठे होंगे काफी लोग, 1980 में एक घर लगभग 1000 रुपए में चलता था, सन 2000 के अंदर 10000 में, और 2020 के अंदर कितने में, 1,00,000 रुपए के अंदर। और आज अपन सारे लोग बैठे लगभग 2022 आ चुका है, 2 साल ऊपर आ चुके हैं अपन जो जयपुर में रह रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि घर को चलाने के लिए, बस सही तरीके से चलाने के लिए 1,00,000 रुपए चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? भाई 1,00,000 रुपए आ रहे हैं तो सब कुछ सही चलता है, नहीं आ रहा तो हमें कहीं ना कहीं कटौती करनी पड़ती है, सही है, कहीं ना कहीं हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है काफी सारी चीजों में। अब बात आती है कि पैसा कमाए किस तरीके से, तो यहाँ पे सिंपल से 3 स्टेप है। सबसे पहले दिया हुआ है कि जितने भी प्रोडक्ट के बारे में महावीर जी ने आपको यहाँ पे बताया, आप एक चीज समझने की कोशिश करिएगा कि ये सारे प्रोडक्ट हमारे घर की नीड के है या नहीं है। भाई आज बीमारी हर घर के अंदर है या नहीं है? जो बेसिक प्रोडक्ट है वो यूज होते हैं या नहीं होते? जो डेली नीड के प्रोडक्ट है वो यूज होते हैं या नहीं होते? सही है। तो ये यहाँ पे बताया जाता है कि सबसे पहले आपको प्रोडक्ट यूज करना है, उनका रिजल्ट लेना है, और वही चीजें आगे शेयर करनी, और इसी चीज का यहाँ पे पैसा आता है। और अगर मैं बात करूं तो ये काम हम जाने अनजाने में हर बंदा वैसे भी करता आता है, भाई दूध वाला अच्छा लग गया प्रमोट करते हैं या नहीं करते हम? भाई बताते ही है। कोई स्कूल अच्छी लग गई तो हम स्कूल के बारे में बता देते हैं, कोई गांव से रिश्तेदार वगैरह आ गए शादी की शॉपिंग करने के लिए तो हमें जिस भी दुकान के बारे में अच्छा सामान का पता है हम उसे वो चीज बता देते हैं, कोई हॉस्पिटल के लिए आया डॉक्टर हमें पता है किसी के बारे में तो हम सजेस्ट कर देते हैं। तो जाने अनजाने में हर चीज का प्रचार हम करते हैं, बट करते उसी चीज के जो हमें अच्छी लगती है, सही है, और वही काम हमें यहाँ पे करना है, प्रोडक्ट यूज करना है, दिल से संतुष्टि मिलती है तो हमें उसे आगे बताना और उसी चीज का पैसा आएगा। मगर ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से होगा, और ये सारे काम आप जानते भी हैं सर, बाहर की लाइफ में आप देखना, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आप देखना, खुद के प्रोफेशन से इतना नहीं कमाते जितना एडवर्टाइजमेंट से कमाते हैं, सही है। भाई हम सबको पता है एक मैच खेलने का लगभग 50-60 लाख रुपए लेते हैं, और वही एक 20 सेकंड के एडवर्टाइजमेंट के 5 करोड़ 6 करोड़ अपने हिसाब से नाम के अकॉर्डिंग उनको मिलता है। तो मेन जो ताकत है वो किसकी है, उनके पास एक कैमरे का प्लेटफॉर्म है, और हमें यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है वो एसटीपीएस के माध्यम से मिला, तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां एसटीपीएस के लिए। यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया गया है, हर प्रोडक्ट के ऊपर 3 चीजें दी हुई है। सबसे पहली चीज एमआरपी, दूसरी डीपी, और तीसरी एसपी। एसपी बेसिकली सेल पॉइंट है, आप प्रोडक्ट के पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पे, जिसका प्राइस ज्यादा उसका पॉइंट ज्यादा, जिसका प्राइस कम उसका पॉइंट कम, प्राइस के अकॉर्डिंग सेट किया हुआ है सारी चीज। हमें यहाँ पे शुरुआत करने के लिए लाइफ में वन टाइम, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए मैं बोल सकता हूँ, हमें यहाँ पे लाइफ में वन टाइम लगभग 100 पॉइंट के प्रोडक्ट एक साथ परचेज करने होते हैं। अगर मैं बात करूं घर में हमें कोई रिक्वायरमेंट है, किसी के घुटने की समस्या है, किसी के डायबिटीज की, उस टाइप से अगर किसी का कोर्स लेते हैं तो लगभग 3 से 4 महीने का कोर्स आ जाता है उतने अमाउंट में 100 पॉइंट के अंदर। और अगर हम अमाउंट वाइज बात करें तो लगभग 15 से 16 हजार रुपए के आसपास का जाता है अपना, साथ में आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी, एक फिजिकल केवाईसी, गवर्नमेंट की लीगल पॉलिसी हमें फॉलो करनी पड़ती है, वो कंपनी में जाती है। और जैसे आप ये प्रोडक्ट परचेस करते हैं आप यहाँ पे टोटल 7 तरीके की इनकम कमाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और वो जो 7 इनकम है वो है कुछ इस प्रकार। जो सबसे पहली इनकम है वो है रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट कितने बंदे जानते हैं कि रिटेल प्रॉफिट होता क्या? रिटेल प्रॉफिट बेसिकली एमआरपी और डीपी का डिफरेंस जो मार्केट में हम देखते रहते हैं। एमआरपी डीपी का जो डिफरेंस है वो है 20%। आप जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे परचेस करोगे डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके तो आपको हमेशा प्रोडक्ट डीपी रेट पे मिलेगा, उसको हम एमआरपी भी सेल कर सकते हैं और उसका आपको 20% मार्जिन आपको घर में बच जाएगा। अगली अगर मैं बात करूं इनकम की तो है टीम सेल्स इंसेंटिव। टीम सेल्स इंसेंटिव इनकम क्या है कि यहाँ पे आपको 2 ग्रुप मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको 2 ग्रुप दिए जाते हैं, एस ए ओ नाम से और एक एस जी ओ नाम से। बेसिकली अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो आप समझ सकते हो लेफ्ट और राइट 2 ग्रुप है, एस ए और एस जी ओ। जैसे आपने काम किया आप ही के माध्यम से, आपके माध्यम से कोई भी बंदा शुरुआत करता है, शुरुआत किस केस में करेंगे? या तो घर में प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हो, सही है, या हमारी एज के बंदे हो सोर्स ऑफ इनकम कमाना हो। आज दोनों ही चीज हर घर के अंदर मौजूद है। भाई बीमारी बेरोजगारी घर घर में है या नहीं है?
99% घरों में कॉमन है। जहां पे ये दो चीजें वहां पे लोग हमारे साथ शुरुआत करते हैं। एक बंदा जब हमारे साथ लेफ्ट में आता है और एक बंदा राइट में आता है तो एक से एक मैच होने पे आपको इनकम कितनी आएगी? 1,000 रुपए। और जो दो बंदे आए बिजनेस ए और बी के लिए भी बराबर है, कोई भेदभाव नहीं है किसी के साथ। अब अगर ए बंदा भी लेफ्ट राइट में प्रमोट करता है तो ए को कितनी इनकम आएगी? 1,000 रुपए आएगी। और बी को? 1,000। बी को भी 1,000 आएगी। मगर आपके लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या हो गया? दो बंदे बोनस में और दो बंदे इंसेंटिव में, तो आपके लिए क्या हो गया? 2,000 रुपए। ये टीम की मैचिंग की मैं बोल सकता हूँ, टीम की यूनिटी से काम करते हैं यहाँ पे। अब जो तीन तीन लोग आए, अगर मैं बात करूं तीन तीन लोग मिलके पांच पांच लोगों को प्रमोट करते हैं तो इनकम कितनी होगी? 5,000। 8-8 मिलके 10-10 को करते हैं तो इनकम कितनी होगी? यार लोगों की यूनिटी की पावर है सबसे मेन। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सबसे ऊपर वाली पोजीशन पे, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके दोनों साइड से 2,000 लोग, 1,000 लोग, 5,000 लोग हर हफ्ते ज्वाइन करते हैं। तो संस्था ने ऐसे में क्या किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है कि एक वीक में जो सबसे मैक्सिमम पेमेंट है मैचिंग का, 150 मैचिंग का ही पैसा दिया जाएगा। 150 मैचिंग से अगर ऊपर मैचिंग है तो उसका पैसा नहीं दिया जाएगा, 150 मैचिंग से नीचे का पैसा दिया जाएगा। तो एक से एक मैच होने पे 1,000 था तो 150 से 150 मैच होने पे कितना होगा? 1.5 लाख। और महीने का कितना होता है? 1.5 लाख। महीने का 6 लाख रुपए हम कमा सकते हैं इस सेकंड वाली इनकम के अंदर। अब जो अगली इनकम है, तीसरी इनकम, वो है रैंक सेल बोनस। रैंक सेल बोनस बेसिकली हम जॉब वगैरह करते हैं, देखते होंगे हर जगह पे एक रैंक होता है, एक डेजिग्नेशन होता है, सही है भाई? प्राइवेट हम जाए तो डिस्ट्रीब्यूटर, डायरेक्ट सेलर, ऐसे करके डायरेक्टर मैनेजर करके हर जगह पे होता है, एम्प्लॉयज वगैरह करके रैंक सेट होते हैं। आर्मी में जाए नायक, सुबेदार, हौलदार, ऐसे करके रैंक डिस्ट्रीब्यूट होती है, सही है? और उसके अकॉर्डिंग उनकी इनकम अलग बढ़ते क्रम में होती है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे रैंक दिए हुए, अगर मैं बात करूं तो टोटल यहाँ पे 18 रैंक दिए हुए। जो सबसे पहला रैंक है वो है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज रैंक करने के लिए हमें क्या करना है, जैसे आपके बोनस के अंदर दो बंदे आ जाते हैं और एक बंदा इंसेंटिव में आ जाता है तो आपका यहाँ पे ब्रॉन्ज रैंक हो जाएगा। ब्रॉन्ज रैंक हुआ तो इनकम कितनी आएगी? एक से एक मैच होने पे 1,000। और जैसे एक और बंदा आया, सी आया, ए के माध्यम से या आपके माध्यम से या ऊपर किसी के भी माध्यम से, आपका रैंक फर्स्ट होते ही आपको बोनस के रूप में 1,500 रुपए अलग से मिल जाएगा। टोटल इनकम कितनी हो गई? 2,500 रुपए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो सिल्वर, सिल्वर रैंक में आपको एक साइड में चाहिए 6 लोग और एक साइड में 3 लोग। यहाँ पे पॉइंट दिए हुए 600 पॉइंट, मतलब 6 बंदे समझना, एक बंदे का अपन 100 पॉइंट के हिसाब से लगा रहे, तो 3,000 मैचिंग इनकम हो जाती है। और रैंक होती है, टोटल इनकम कितनी आएगी रैंक की? 4.5। और टोटल इनकम कितनी हो जाती है मोचिंग बैलेंस मिला के? लगभग 7,500। अगला रैंक है गोल्ड। अब गोल्ड में टोटल बंदे चाहिए 12, मगर 12 लाने के लिए हम ऊपर कितने? 6 और 2, 8 लोगों को मिलकर 12 लोगों की टीम बनानी, और लेफ्ट राइट सब काउंट होता है उसमें। और दूसरी साइड में 6 मैचिंग का कितना आएगा? 6,000। बोनस का कितना आएगा रैंक होते? 9,000। टोटल इनकम कितनी होगी? 15,000। यहाँ पे एक चीज समझना सर आप सभी, कि जो मैचिंग इनकम है वो तो वीकली क्रेडिट होती है अकाउंट में। जिस हफ्ते जितना मैचिंग हुआ उस हफ्ते आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा गुरुवार की शाम को। बाकी जो बोनस की इनकम है ये हर महीने की 1 तारीख को अकाउंट में क्रेडिट होता है। पिछले महीने जिन जिन लोगों का रैंक हुआ था इस महीने की 1 तारीख को अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो गया। इस महीने जिन जिन लोगों का रैंक हो रहा है या 30 तारीख तक होगा उन सबका अमाउंट 1 तारीख को अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा बोनस वाला। मैचिंग का वीकली टू वीकली होता है। अगला जो रैंक है वो है प्लेटिनम। प्लेटिनम के अंदर 24 बंदे एक साइड में चाहिए, 12 एक साइड में, 12,000 मैचिंग इनकम होता है, बोनस आएगा आपको 20,000, टोटल इनकम कितनी होगी? 32,000। अगला जो रैंक है वो है अपना एमरल्ड। एमरल्ड पे कितने लोगों को मिलकर 48 लोग लाने? लगभग 44 लोगों को मिलकर 48 लोग लाने और एक साइड में 24 से 24 मैच हुआ तो 24,000 तो मैचिंग का आ जाएगा। और रैंक होती बोनस कितना आएगा? 45,000। टोटल इनकम कितनी हो जाएगी इस रैंक की? 69,000। और मैं बोल सकता हूँ सबसे ज्यादा मेहनत करने के इस रैंक तक लगती है। अगले रैंक पे अगर मैं बात करूं, सारे बंदे आप समझ ना ऊपर के जितने भी मिलके अगर हफ्ते के ज्यादा भी नहीं 5 से 6 बंदे की भी एक टीम बनाते हैं तो महीने की इनकम एवरेज कितनी चली जाती है? 35 से 40,000 पांचवें रैंक तक। अगला अगर मैं बात करूं छठे रैंक की, तो 120 लोग एक साइड में चाहिए, 60 लोग एक साइड, 60 से 60 मैच होने पे 60,000। बोनस जो आता है वो आता है आपको 1.5 लाख रुपए इकट्ठा, और साथ ही साथ आपको थाईलैंड की ट्रिप दी जाती है। ये हमारे यहाँ पे चौथी इनकम है, टूर एंड ट्रेवल्स। यहाँ पे बढ़ते हुए रैंक के साथ आपको ट्रिप्स वगैरह देंगे,
कुछ फैमिलीज के साथ हैं, कुछ कपल्स में, कुछ सेल्फ पे, वो बढ़ते हुए रैंक के अकॉर्डिंग, जगह के अकॉर्डिंग दी हुई है। जैसे इसमें थाईलैंड की ट्रिप है, टोटल इनकम कितनी हो जाती है आपकी? 2,10,000। और अपने बीच में मैं चाहूंगा एक बार हाथ ऊपर करके भी बताएं कि टोपाज कितने बन रहे हैं यहाँ पे, जो टोपाज बन चुके हैं अब तक, जो ये वाली इनकम ले चुके हैं, एक बार हाथ ऊपर करें सभी टोपाज के लिए, एक बार जोरदार ताली हो जाए। अगला जो रैंक है, नेक्स्ट, अगले रैंक में 240 लोग एक साइड चाहिए, 120 एक साइड, 1,20,000 मैचिंग इनकम हो जाती है, 1,80,000 आपको बोनस की इनकम मिलती है, टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 3,00,000। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको 50,000 रुपए बाइक फंड के रूप में मिलता है, ये आपकी पांचवी इनकम होती है जो रिवॉर्ड एंड फंड के नाम से जानी जाती है। आपको बढ़ते हुए रैंक के अकॉर्डिंग कार फंड, हाउस फंड, गोल्ड फंड रैंक के अकॉर्डिंग बढ़ते क्रम में दिए जाएंगे। नेक्स्ट, अगला रैंक है सर सफायर, 480 लोगों की टीम एक साइड चाहिए, 240 लोगों की एक साइड। काफी लोगों को लग रहा होगा शायद इतने लोग आते नहीं होंगे, सही है, मगर मैं बोलूंगा जिसको लग रहा होगा एक बार पीछे मुड़ के चारों तरफ देखना, सब लोग तो आते हैं, सही है। तो 2,40,000 कितने की हो जाती है? 2,40,000 मैचिंग इनकम हो जाती है, 3,60,000 बोनस, 6,00,000 टोटल इनकम, और दुबई की विद फैमिली आना जाना घूमना फिरना सब दुबई की ट्रिप कंपनी के माध्यम से इस रैंक पे आपको दी जाती है। अगला जो रैंक है, 960 लोगों की टीम आपको एक साइड में चाहिए, 480 लोगों की एक साइड, 4,80,000 आपकी मैचिंग इनकम हो जाएगी, 2,20,000 आपको बोनस के रूप में मिला जाएगा, 7,00,000 आपकी टोटल इनकम हो जाती है, और 6,00,000 का कार्पेंट अलग से मिलेगा आपको। ये 6,00,000 और 2,20,000, 8,20,000 इकट्ठा आता है आपको महीने की 1 तारीख को, जिस भी महीने में आपका ये रैंक होगा अगले महीने की 1 तारीख को अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाता है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे मलेशिया की ट्रिप दी जाती है अकेले की, 4 नाइट 5 डेज की। अगला जो रैंक है डायमंड, यहाँ पे 920 लोगों की टीम एक साइड चाहिए, 960 की एक साइड, 9,60,000 मैचिंग इनकम, 3,40,000 का बोनस, 13,00,000 की टोटल इनकम, और साथ में 9,00,000 रुपए कारपेंट के रूप में दिया जाता है। आप समझिएगा 9,00,000 और 3,40,000, 12,40,000 एक साथ अकाउंट में क्रेडिट होता है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे मालदीव की कपल में ट्रिप मिलती है, दो जनों की आना जाना घूमना फिरना सब संस्था की तरफ से। इस तरीके से हम अगले रैंक की बात करें तो अगला रैंक है ब्लू डायमंड। ब्लू डायमंड पे मैचिंग इनकम आती है 19,20,000 की, साथ ही साथ अगर आप देखेंगे बस साइड में 17,00,000 रुपए का बोनस और 5,00,000 रुपए का गोल्ड फंड, ये इनकम हमें यहाँ पे मिलती है, साथ में स्विट्जरलैंड की ट्रिप। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ तो टोटल 18 रैंक दिए हुए, और 18 रैंक पे हर रैंक के अकॉर्डिंग बढ़ते क्रम में सारी चीजें दी हुई। एक इनकम यहाँ पे आती है क्विक प्रमोशन बोनस, ये हमारी छठी इनकम होती है। क्विक प्रमोशन बोनस क्या है कि कंपनी हर क्वार्टरली टारगेट